आपको करोड़ों अरबों में कमाई कराएगा। दोस्तों ये चार पैनी स्टॉक कौन सा है? सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि पैनी स्टॉक किसको कहते हैं, क्या है पैनी स्टॉक की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ पैनी स्टॉक्स, व्हाट इज पैनी स्टॉक, या कह सकते हैं कि पैनी स्टॉक मतलब क्या। पैनी मतलब बारीकी से, नहीं, पैनी मतलब होता है कि मतलब उसको सीरियस कर देना, ये भी नहीं, पैनी मतलब होता है कि जोखिम भरा, ये भी नहीं, पैनिक मतलब होता है क्या होगा अचानक, अब आने वाला समय में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी परिभाषा बताना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम है तो बता दीजिए, अच्छी बात है आप लोगों को जानते होंगे। पैनिक मतलब कि उस पर नज़र रखना, वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो पैनिक मतलब कि उसको सीरियस गंभीर से लिया जाता है। तो पैनिक, अब वो पैनिक स्टॉक 50 पैसा की भी हो सकता है, 50 रुपये का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, 50000 का भी हो सकता है, 50000 का भी स्टॉक है। तो पैनिक मतलब होता है कि अब ये स्टॉक पैनिक बन गई है, और इसका मतलब नहीं है कि इसकी प्राइस कम है, इसकी मार्केट कैप क्या है, कुछ भी इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी जान लीजिए। और जो कहते हैं ना पैनिक मतलब कि सस्ता स्टॉक, उसका डिमांड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पैनिक हमारा टायर को भी पैनिक बना सकते हैं, अब बनाते हैं बी ए बी के सिंह, 75,000 था तो मेरे लिए वो पैनिक स्टॉक था, 1.5 लाख हो गया तो उसके बाद अभी भी पैनिक स्टॉक है। तो चलिए पैनिक स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, मंथली डिविडेंड स्टॉक इन इंडिया, भारत में अगर आप इन्वेस्टर बनेंगे, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेफ और सिक्योर, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम बनाना है दोस्तों तो हर महीने कोई नहीं बताएगा, इसी स्टॉक में हर महीने अपने डिवाइड करके पैसे डालते रहिए, कितना दिन, सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 10 करोड़ बनाने वाला ये स्टॉक सब है। चलिए मैं आपको बता दूं पहले, तो आ जाइए आप भी देख लीजिए कौन सा स्टॉक है, कुछ तो स्टॉक दिख रहे होंगे आपको। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डंके की चोट पे जीवन में कभी भी नुकसान नहीं देगा, और हर महीने जिस तरह सैलरी आती है उस तरह सैलरी की तरह आते रहेगा। अगर आपके पास एक हज़ार स्टॉक, 10 साल मतलब बहुत कह दिए दोस्तों, 10 साल में 1,000 स्टॉक सभी बन जाएंगे, आप जीवन में बुढ़ापा में किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, आप सोचे भी नहीं होंगे कि कितनी हमको कमाई हो रही है, बैंक में रखिए चाहे LIC करवाइए चाहे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहीं कीजिए, SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, सबका बाप है ये सब स्टॉक, और सब इन्हीं सब स्टॉक में FII और DII जो है अपनी आँख मूंद करके पैसा लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड के जो पैसा देते हैं वो उसी से देते हैं, ये सब स्टॉक से। चलिए दूसरा स्टॉक कोल इंडिया दिख रहा है दोस्तों, आ जाइए दो स्टॉक दिखाते हैं, और ये स्टॉक बहुत सस्ता भी है, ITC इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, बहुत बढ़िया स्टॉक है, टपारिया टूल्स, जिसकी किस्मत होगा ये मिल जाएगा दोस्तों, खरीद लीजिए जितना उठाना है उठा लीजिए। वेदांता को डिविडेंड के रूप में ले सकते हैं, वरना ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना है, लंबे समय के लिए लेना है तो ले करेंगे, जिसके पास है अगर डिविडेंड पाना है तो रखे रहिए। केनरा बैंक ले सीजिए, उठा लीजिए माल दबाकर। पंजाब नेशनल बैंक इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज उठा लीजिए माल दबाकर रख लीजिए, कैस्ट्रॉल इंडिया सब डिविडेंड देने वाले हैं, डालमिया भारत, SCLTech SBI डिविडेंड यील्ड फंड,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ बढ़िया स्टॉक है। और इसके बाद जो आने वाला है वो जान लीजिए। दिखाते हैं दोस्त, दिखाते हैं, घबराएंगे तो नहीं होगा ना। नेस्ले इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, IRCTC, मदरसन सुमी वायरिंग, देखते रहिए। अबाउट इंडिया, पेज इंडस्ट्री, टाटा एलेक्सी, एक्जो नोजल, एंजल वन, एशियन पेंट, ये सब स्टॉक लेना नहीं है। हम जो बता रहे हैं उसको आपको डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लेंगे, वरना नहीं लेंगे, समझ गए। केवल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करना है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है कि सब चला जाए जो अभी लेने के लिए है वो। मंथली ये देखिए, अब पॉलीकैप इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बताए ना, पंजाब नेशनल बैंक बता दिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बता दिए, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज बता दिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, देखते रहिए इस साइड में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी, इंडियन होटल्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हैप्पीएस्ट माइंड एंड डालमिया भारत बता ही चुके आपको। ये सारे स्टॉक जो है आपको कहानी बता दिए दोस्तों। अब चलिए आ जाइए, लेके चलते हैं अब चार स्टॉक पे दोस्तों। आपको चार स्टॉक के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे उस जगह जहाँ पे आपने खजाना रखा है। चलिए उस खजाने को निकालते हैं, खोल दिए, खुल जा सिम सिम, ये हमारे सिमसिम का दरवाज़ा है दोस्त। और ये दरवाज़ा खुलने में समय तो लगता है, लेकिन खुलेगा ज़रूर। टाइम लगता है दोस्त, इतना आसान नहीं है, आप लोगों को ढूंढ रहे हैं हम, चिंता मत कीजिए।
फास्ट स्टॉक, रोड, रेल, हवा, पानी। तो ये रेल का हो गया दोस्तों। उठा लीजिए माल दबाकर, कभी मत बेचिए। कितना साल? 10 साल। और 10 साल में ये जो कमाई करके देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ अभी तो 3 साल हुआ, 7 साल और रख लीजिए दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, आ जाइए। हवा की बात कर लेते हैं, हवा के बात कर लेते हैं। और हवा का मैं बात करने के लिए आपको मैं बता दूं, हवा में हमेशा लेते रहिए इंडिगो फ्लाइट, इंटर ग्लोब एविएशन। तो हवा हो गया, रेल हो गया, आ जाइए दोस्तों पानी। पानी मतलब समुद्र, समुद्र मतलब सागर, दरिया। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। 3 स्टॉक हो गए, रेल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, बच गया रोड दोस्तों। तो रोड के लिए मैं बता दूं आपको, उठा लीजिए माल दबाकर, रेट्स, और उठा लीजिए माल दबाकर टाइगर लॉजिस्टिक्स और अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। तो ये 4 स्टॉक आपको बनाएंगे। इसके बाद आपको मैं बता दूं, कि कौन सा स्टॉक आपको आने वाले समय में और देख लेना चाहिए। पहला स्टॉक विप्रो इंडिया और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं दोस्त, कभी मत बेचिएगा। आने वाले 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि BBKS ने 15 अगस्त 2024 को बताए थे कोई स्टॉक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। राष्ट्र हमारा देश ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहे और आज़ादी के 2047 में हम दुनिया के नंबर एक स्टॉक मार्केट, शुद्ध साफ सुथरा और गुमराह रहित शेयर बाज़ार, भारतीय शेयर बाज़ार के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, CDSL और भी जितनी संस्थाएं शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, सभी की ऊपर कभी कोई उंगली दिखाने की कोशिश ना करें। हमारा मकसद है बस इतना ही। मेरा जो काम है मैं करते रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।